अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे आप लोग। ये फ्रेंड्स, आज बैंगन हार्वेस्ट करने जा रहे थे हम, तो सोचा कि शेयर कर दें आप लोग से भी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब हम कुछ हार्वेस्ट करते हैं तो बहुत मज़ा आता है हमको। तो सोचा कि आप लोग भी देखें कितने अच्छे से फ्रूटिंग हुई है, कितने अच्छे से लगे हैं बड़े बड़े से बैंगन, माशाल्लाह। और जो दूसरे बैंगन के छोटे छोटे से प्लांट्स लगाए थे पौधे, तो लग गए थे, फ्रूटिंग भी होने लगी थी और ख़राब हो गए थे। ये एक बहुत अच्छे से चल रहा है, ये 2-3 साल पुराना भी हो गया है, तब भी इसकी कटिंग कर देते हैं फ्रेंड्स और गोबर की खाद डाल देते हैं। तो जब हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद गोबर की खाद डाल देते हैं और या तो लिक्विड फर्टिलाइज़र, और उसके बाद कटिंग भी थोड़ी थोड़ी कर देते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छे से फिर से ग्रो होता है और फिर से बहुत अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है, फिर से खूब अच्छे से लगता है बैंगन ये इतने बड़े बड़े। फ्रेंड्स देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब हमें कुछ मिलता है अपने हाथों की मेहनत से, अपने हाथ से लगाओ और फिर उसको यूज करो, खाओ, उसको बहुत अच्छा लगता है जब हार्वेस्ट करो, बहुत ही हमको पसंद है। थोड़ी मेहनत होती है लेकिन अच्छा कितना लगता है, इतना बाज़ार से आता है तो अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स बनाने में और खाने में, इतना घर में जब होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और एक ही प्लांट में हमें इतनी सारी ढेर सारे बैंगन मिल जाते हैं, 15 दिन पर, 1 महीने पर ऐसे मिलते रहते हैं थोड़े थोड़े, अच्छे खासे। हमारे लिए तो सही रहता है, थोड़ा मतलब छोटा परिवार है हमारा 4 लोग का, तो बहुत ही अपनी मतलब भर की हो जाती है सब्जी। ये बैंगन इतने सारे मिले फ्रेंड्स हमको, और ये मेथी भी अब कुछ दिन के बाद ये भी हार्वेस्ट करेंगे, तो आपको फिर शेयर करेंगे, आपसे आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स। आपके साथ ही लगाई थी ये मेथी और आपके साथ ही फिर इसको हम हार्वेस्ट करेंगे फ्रेंड्स, और मूली भी हार्वेस्ट करेंगे किसी दिन। और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसमें गोभी भी अब आ रही है, आने वाली है फ्रेंड्स। और ये मूली बहुत घनी हो गई, पत्ते बहुत ही अच्छे हैं, ये भी हार्वेस्ट करेंगे किसी दिन, बीच बीच से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये कितना घना हो गया है, कितना हरा भरा हो गया है, थोड़ा से इसमें लेंगे पत्तियाँ, निकाल लेंगे थोड़ी सी मूली, तो सलाद में बनाएंगे, इसको काटेंगे सलाद बनाएंगे। ऐसे ही खाना खाओ जब तो अच्छा लगता है, ये फ्रेश फ्रेश पत्ते सलाद में अच्छे लगते हैं और फ़ायदेमंद भी होते हैं। और फ्रेंड्स ये हम मिर्ची भी थोड़ी तोड़ रहे हैं, इसमें माहू टाइप में वो कीड़े लग गए थे, तो राख डाली थी फ्रेंड्स, तो उससे सारे कीड़े ख़त्म हो गए हैं, अच्छा रिजल्ट मिला है हमको। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगती हो अगर आप लोगों को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट भी करिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और ऐसे ही सपोर्ट करिए।